हमने लगाना है चकोर डंडा दोस्तों, और ये चकोर होल हमने उसके लिए कर लिया है, और ये हमारा डंडा हो चुका है खड़ा। ये देखिए, इसके नीचे हमने कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मारी है गोल पाइप की, पूरा डंडा ही हमने 2.5 इंच अंदर डाला है ये पत्थर के। पहले चकोर होल काटा है, उसके बाद राउंड बिट से घेरा किया है सुराख को, उसके बाद इसको ठोका है हमने। और हर एक डंडे में उसको सीधा रखने के लिए और उसको बढ़िया फिटिंग देने के लिए हर एक डंडे में हमने सीमेंट का घोल बना के डाला है, जिससे कि डंडा हमारा बाद में बिल्कुल ना हिले। और ये हमने एक दिन पहले ये काम करते हैं हम, उसके बाद दूसरे दिन हम इसको छेड़ते हैं, क्योंकि अगर हम साथ के साथ करते हैं ना तो एक ना एक डंडा अपना अपनी जगह छोड़ देता है, वो टेढ़ा हो जाता है, जो कि बाद में दिखाई देता है, और हमारा एक भी डंडा आपको टेढ़ा नहीं मिलेगा। और ये हमने घोल बनाया था इसमें डालने के लिए, और ये जो पत्तियाँ हैं ये हम उसको सीधा, जब डंडे को सीधा करते हैं तो उसमें नीचे ठोकते हैं, जिससे कि वो अपनी जगह से हिले ना और डंडा भी टाइट हो जाए, बाकी काम सीमेंट अपने आप कर लेता है। तो जब भी आप अपने घर में रेलिंग लगवाएं तो इसी तरह से काम कराएंगे, तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। और वाइट सीमेंट तो डलाए ना बिल्कुल भी, एक तो महंगा पड़ेगा, ऊपर से वो रेत को पकड़ नहीं करता इतनी जल्दी से। रेत की पकड़ हमेशा यही वाला सीमेंट करता है, चिनाई वाला, तो हमेशा चिनाई वाला ही सीमेंट इस्तेमाल करें। एयरडाइट वगैरह का डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये एयरडाइट से भी मजबूत फिटिंग है आपकी। और ये हमारी रेलिंग, हमने आधी रेलिंग लगा चुके हैं हम, आधी हमारी अभी नीचे की रह रही है, ये हम अभी इसमें टाँके टूके मारे हैं, ये फिनिशिंग देंगे। बाकी हमने पिलर और ऊपर का पाइप पूरी फिनिशिंग कर दी है नीचे तक, ताकि हमें दोबारा ना करनी पड़े, क्योंकि ऐसा होता है कि बाजी बाजी जगह ऐसा होता है कि हम ग्राइंडर बारीक वाले पाइप लगाने के बाद ग्राइंडर नहीं घुसा पाते। अब हमको कहीं नीचे घिसाई करनी है तो वो ग्राइंडर नहीं जा पाता इन बारीक पाइप के चक्कर से, तो इसलिए हम पहले ऊपर वाला फिनिशिंग दे देते हैं पूरे पाइप की। ये देखिए फिनिशिंग, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ मार के कर दिया काम, हर जगह पूरा वेल्डिंग मारा है। ये देखिए आप, सारा काम एवन होता है, किसी भी काम में आप कुछ कहते हैं। और पिलर का भी खास करके हम ध्यान रखते हैं कि जब भी हम पिलर लगाएं उसका मुंह बंद करें, क्योंकि अगर हम पिलर का मुंह बंद नहीं करते हैं तो उसका जो क्या होता है कि ऊपर का जो धार होती है पिलर की, वो हाथ काटती है। अगर मान लो हम चकोर कटोरी लगाते हैं तो बोल को ज़्यादा सा टाइट कर देते हैं थोड़ा सा, तो कटोरी जो है कि फट जाती है, और वो बाद में बहुत भयंकर हाथ काटती है, जिससे कि बहुत तगड़ी धार बनती है। तो हमेशा जब भी पिलर लगाएं तो उसके ऊपर मुंह बंद करके गोल कटोरी लगाओगे आप, तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, ये देखिए आप, बाकी मैं आपको लास्ट में फ़ोटो में दिखा दूंगा किस तरह से पिलर लगाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। धन्यवाद।